इस वीडियो में हम देखने वाले ऐसे 5G स्मार्टफोन जो 17 से 18,000 की प्राइस रेंज में आते हैं। इस प्राइस कैटेगरी में बहुत सारे फोन आते हैं अच्छे परफॉर्मेंस और फीचर के साथ। उसी में से हमने ऐसे 5 बेस्ट ऑलराउंडर फोन निकाले हैं जो अपने में यूनिक फीचर के साथ आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो फोन हमने सिलेक्ट किए हैं उनके लिए कुछ पैरामीटर सेट किए हैं, जैसे फास्ट रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है तो AMOLED डिस्प्ले तो होनी ही चाहिए। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप होना चाहिए। 5000mAh की बड़ी बैटरी होनी चाहिए। डिसेंट परफॉर्मेंस करने वाला प्रोसेसर होना चाहिए और सबसे जरूरी बात, 5G रेडी होना चाहिए। कम से कम इतने स्पेक्स और फीचर्स तो फोन में होने ही चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे कौन सा फोन किसके लिए सही रहेगा और हर फोन की प्रोज एंड कॉन्स, इन सभी चीजों पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है ओप्पो A74 5G। इसमें 4G वेरियंट भी आता है, उसे कंफ्यूज मत होना, हम बात कर रहे हैं 5G वेरियंट। ये फोन उन लोगों के लिए जिन्हें 5G के साथ एक अच्छा कैमरा और कैमरा UI वाला फोन चाहिए, क्योंकि ओप्पो का ज्यादातर फोकस फोन के कैमरा और डिजाइन की तरफ होता है। बात करें इसकी डिजाइन की तो फोन काफी स्लिम है, ड्यूअल टोन डिजाइन के साथ काफी प्रीमियम और स्टाइलिश लगता है। फोन आता है फ्रंट ग्लास प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बैक के साथ। फोन की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसमें आती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले जो 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और इसमें आपको 14Hz की पीक ब्राइटनेस देखने मिलती है। फोन की डिस्प्ले भी काफी इंप्रेसिव लगती है। फोन आता है 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, 48MP वाइड, 2MP मैक्रो और 2MP डेप्थ सेंसर के साथ आता है, और उसी के साथ आपको फ्रंट में 16MP का सेल्फी सेंसर देखने मिलता है। साथ ही मेन कैमरा जायरो EIS के सपोर्ट के साथ आता है, जिससे आप एक स्टेबल फुटेज कैप्चर कर सकते हैं। फोन में आती है 5000mAh की बड़ी बैटरी और 18W का चार्जर। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलता है और उसी के साथ सभी सेंसर आते हैं। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो ये फोन आता है स्नैपड्रैगन 485G प्रोसेसर के साथ। इस प्रोसेसर को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसे आप हेलियो G90 से कंपेयर कर सकते हैं, और उसी के साथ ये 5G के 12 बैंड को सपोर्ट करता है। अगर बात करें इसके अंतुतु स्कोर की तो ये प्रोसेसर 280,000 से ज्यादा का स्कोर करता है, तो ये एक कैपेबल प्रोसेसर है, लेकिन इस प्राइस पर ये अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करता। बात करें कनेक्टिविटी की तो ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2, 4G OLTE, ड्यूअल स्टैंडबाय 5G और उसी के साथ NFC GPS ग्लोनेस का भी सपोर्ट देखने मिलता है। फोन आता है 8GB 128GB के सिंगल वेरियंट के साथ, जिसकी प्राइस 17,000 रुपए है। अब चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की तो LTPS IPS LCD डिस्प्ले विद 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, 5000mAh बैटरी, लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टाइलिश एंड स्लिम डिजाइन, 5G एंड NFC सपोर्ट और डिसेंट कैमरा सेटअप। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता, इसमें IP रेटिंग नहीं आता, इसके UI में बहुत सारे ब्लोटवेयर्स आते हैं, और आज के हिसाब से 18W का चार्जर 5000mAh की बैटरी के लिए बहुत कम लगता है। ओवरऑल बात करें तो इसका परफॉर्मेंस एवरेज है इस प्राइस के हिसाब से, लेकिन कैमरा डिजाइन और सबसे बड़ी बात 5G के मामले में फोन काफी अच्छा है। तो ये फोन आता है हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है Redmi Note 10T 5G। जो लोग Xiaomi का फोन चाहते हैं या जिन्हें MIUI अच्छी लगती है, उन लोगों के लिए ये सही रहेगा। बात करें इसकी डिजाइन की तो फोन Realme 10 सीरीज के बाकी फोन्स की तरह ही लगता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं लगता सिवाय कैमरा मॉडल के। फ्रंट में Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन आती है, प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक के साथ आता है। फोन में 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आती है, 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बात करें कैमरा की तो फोन आता है 48MP ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, 48MP वाइड, 2MP मैक्रो और 2MP डेप्थ सेंसर आता है, और उसी के साथ फ्रंट की तरफ 8MP का सेल्फी सेंसर देखने मिलता है। डेलाइट कंडीशन में फोन का कैमरा काफी अच्छी क्वालिटी इमेज कैप्चर करता है। फोन में 5000mAh की बैटरी के साथ 18W का चार्जिंग सपोर्ट देखने मिलता है। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो ये फोन आता है MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर के साथ। आप इस प्रोसेसर को Snapdragon 730G के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसके बराबर आपको इसकी परफॉर्मेंस मिलती है, और साथ में इसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलता है। फोन में आपको डे टू डे टास्क करने में कोई दिक्कत नहीं आती, और साथ में मीडियम लेवल की गेमिंग भी आप इससे कर सकते हैं। फोन आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, उसी के साथ सभी सेंसर आते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G OLTE, 5G और उसी के साथ GPS ग्लोनेस और FM रेडियो का भी सपोर्ट देखने मिलता है। इसमें NFC नहीं आता। फोन आता है दो वेरिएंट के साथ, 4GB 64GB और 6GB 128GB। इसके 4GB 64GB की प्राइस है 15,000 और 6GB 128 की प्राइस है 17,000। अब आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की तो फुल HD प्लस डिस्प्ले विद 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन, स्प्लैश रेजिस्टेंट कोटिंग, इंफ्रारेड सेंसर, 5000mAh की बैटरी, डिसेंट कैमरा क्वालिटी और 5G का सपोर्ट। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की तो इसमें NFC नहीं आता, इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं आता, इसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर्स आते हैं, और 18W का चार्जर आता है। ये भी इस फोन का एक डाउनसाइड है। इस वजह से ये फोन हमारी लिस्ट में है नंबर 4 पर। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर आता है Realme Narzo 30 5G या Realme 8 5G। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही फोन एक है, सिर्फ इनका बैक पैनल चेंज किया गया है और नाम चेंज किया गया है, बाकी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम ही मिलेगा। इन दोनों
दोनों में से जो फोन अवेलेबल होगा या जो फोन कम प्राइस में आपको मिल जाएगा आप उसी के साथ जा सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। इसमें हम नार्जो 35G की बात करेंगे। सेम स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स आपको रियलमी 8 में भी मिलेंगे। फोन आता है पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ, ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक के साथ आता है। फोन का बैक पैनल ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है। कैमरा मॉड्यूल के नीचे एक स्ट्राइप दी हुई है और उसमें नार्जो की बड़ी ब्रांडिंग आती है। फोन में 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले आती है जो 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट और 480 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आती है। सभी फोन में डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको लगभग सेम देखने मिलता है। ये फोन भी आता है 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, 48 मेगापिक्सल वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आता है। उसी के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर भी आपको देखने मिलता है। फोन को पावर करती है इसकी 5000 एमएएच की बैटरी जो 18 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन भी आता है Dimensity 700 5G प्रोसेसर के साथ। परफॉर्मेंस के मामले में इसमें भी कोई इशू नहीं आता, सभी काम फास्ट और स्मूथली हो जाते हैं। थोड़ी बहुत गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है और उसी के साथ सभी सेंसर आते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें भी 5G के साथ सभी फीचर्स अवेलेबल है, इसमें NFC नहीं आता। इस फोन के 128GB वेरिएंट की प्राइस है 17,000। अगर Realme 8 की बात करें तो उसका 4GB 128GB का वेरिएंट 16,500 के करीब देखने मिलता है और Realme 8 में आपको 8 128GB का भी वेरिएंट मिलता है जो करीब 18,500 के आसपास आता है। अब देखते हैं इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स। बात करें इसके प्रोज की तो फुल एचडी प्लस डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, 480 निट्स की ब्राइटनेस, 5000 एमएएच की बैटरी, डिसेंट कैमरा सेटअप, 5G सपोर्ट और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट। ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की, नो NFC सपोर्ट, नो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन, नो स्प्लैश प्रोटेक्शन कोटिंग और 18 वॉट का चार्जर आता है। ओवरऑल बात करें तो ये फोन भी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, इसलिए ये फोन हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी A22। अगर आपको एक नॉन चाइनीज ब्रांड का फोन चाहिए तो सैमसंग A22 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस साबित हो सकता है। फोन आता है पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ, ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक देखने मिलती है। ये फोन दिखने में काफी प्रीमियम लगता है और बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है। फोन में आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस TFT डिस्प्ले मिलती है और उसी के साथ 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। TFT डिस्प्ले होने के बावजूद भी डिस्प्ले काफी शार्प और ब्राइट लगती है, लेकिन IPS होता तो ज्यादा अच्छा होता। फोन में आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल वाइड, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आता है और उसी के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलता है। इसके मेन कैमरा से काफी अच्छी क्वालिटी की फोटोज आती है, स्पेशली लो लाइट कंडीशन में कैमरा काफी अच्छी डिटेल के साथ फोटो कैप्चर करता है। फोन में 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी आती है और फोन 25 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन इनबॉक्स आपको 15 वॉट का चार्जर ही मिलता है। ये फोन भी Dimensity 700 5G प्रोसेसर के साथ आता है, इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में इसमें कोई इशू नहीं आता, सभी टास्क आराम से हैंडल कर लेता है। ये भी सभी सेंसर के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए 5G के साथ NFC का सपोर्ट भी इसमें आपको देखने मिलता है। ये फोन दो वेरिएंट के साथ आता है, 6GB 128GB और 8GB 128GB। अगर बात करें इसके प्राइस की तो 6GB 128GB वेरिएंट 19,000 में आता है जो सेल्स में 17,000 के आसपास देखने मिलता है और 8GB 128GB की प्राइस 20,000 के आसपास आती है। ट्राई करें फेस्टिव सीजन या फिर सेल्स में आप इसे परचेस करें, तब आपको इस पर ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। अब जानते हैं इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स। अगर बात करें इसके प्रोज की तो प्रीमियम डिजाइन, फुल एचडी प्लस 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 5000 एमएएच बैटरी, डिसेंट कैमरा सेटअप, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, सैमसंग वन यूआई 3.1 बेस्ड ऑन लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और 5G और NFC का सपोर्ट। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की तो इसमें TFT डिस्प्ले आता है, IPS डिस्प्ले नहीं मिलता, 15 वॉट का इनबॉक्स चार्जर आता है और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो ये है इस फोन के कॉन्स। सैमसंग के हिसाब से एक ठीक ठाक फोन है, कई जगहों पर कॉस्ट कटिंग की है, लेकिन बेहतरीन कैमरा क्वालिटी और नॉन चाइनीज फोन के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A22 5G हमारे लिस्ट में आता है नंबर 2 पर। अब आते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 फोन की तरफ। तो नंबर 1 पोजीशन पर आता है मोटो G71 5G। 18,000 के 5G फोन कैटेगरी में मोटो G71 जो फीचर्स प्रोवाइड करता है वो कोई और फोन नहीं करता। जेन्युइनली ये फोन नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करता है। फोन आता है पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी और वाटर रिपेलेंट डिजाइन के साथ, ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक। इस फोन का बैक पैनल ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है जो दिखने में काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। फोन में 6.4 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले आता है, लेकिन फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं मिलता। अगर एमोलेड डिस्प्ले हो तो मेरे लिए फास्ट रिफ्रेश रेट उतना मैटर नहीं करता। फोन का कैमरा सेटअप भी टॉप नॉच मिलता है, 50 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। उसी के साथ सामने की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। मेन कैमरा HDR के साथ आता है। बात करें इसके कैमरा क्वालिटी की तो डे लाइट कंडीशन में हाई क्वालिटी फोटोज क्लिक करता है। अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ। इस मामले में भी ये फोन सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि ये आता है लेटेस्ट Snapdragon 695 6nm 5G प्रोसेसर के साथ, जिसकी परफॉर्मेंस आप Dimensity 800U से कंपेयर कर सकते हैं। इसका अंतुतु स्कोर 380,000 के आसपास आता है, जो एक मिड एंट्री लेवल फ्लैगशिप फोन के करीब आता है। इससे आप काफी डिसेंट लेवल की गेमिंग कर सकते हैं और जितने भी हेवी टास्क होंगे उतने आराम से हैंडल कर लेगा। ये फोन आता है रियर
रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ जो थोड़ा पुराना डिजाइन लगता है उसी के साथ सभी सेंसर के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए भी इसमें 5G और NFC के साथ सभी फीचर्स अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इस फोन में काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है क्योंकि इसमें 6nm का प्रोसेसर आता है जो कि थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट है। फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी इस फोन की एक यूनिक बात है क्योंकि इसमें आती है स्टॉक एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको एक स्मूथ और फास्ट UI एक्सपीरियंस देती है। यह फोन सिंगल वेरियंट के साथ आता है जिसके 6GB 128GB की प्राइस है 19,000 जो ऑफर्स के साथ आपको 18,000 के आसपास देखने मिल जाता है। अब आते हैं इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की तो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, वाटर रिपेलेंट डिजाइन, प्योर स्टॉक एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, 5000mAh बैटरी विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग, पावरफुल 6nm प्रोसेसर, डिसेंट कैमरा सेटअप और 5G और NFC का सपोर्ट। ये है इस फोन के प्रोज। अगर इसके कॉन्स की बात करें, नो फास्ट रिफ्रेश रेट, नो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और ओनली सिंगल स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। तो ये है इस फोन के मेजर कॉन्स। ओवरऑल ये फोन हर डिपार्टमेंट में सबसे बेहतर साबित होता है, इसलिए ये फोन हमारी लिस्ट में आता है नंबर 1 पर। तो ये थे टॉप 5G फोन जो आते हैं 17,000 से 18,000 की प्राइस रेंज में। दोस्तों हमारी और आपकी रैंकिंग अलग अलग हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना फोन सिलेक्ट करें, लेकिन परफॉर्मेंस और रिव्यूज के हिसाब से जो फोन सही है उन्हीं फोन्स को हम हमारी लिस्ट में शामिल करते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।